अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल पाई की रेसिपी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत देर में तैयार होती है। यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं जो मैंने काट के रखे हैं। इसके अलावा 3 अदद गाय के पाए हैं। इसमें मैंने खुर और ये सब चीज़ें मिक्स ली हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून पिसे हुए धनिए हैं, 1 प्याली घी है, नमक हसबे ज़रूरत, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। बड़ा पतीला चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि तकरीबन ये 6 से 7 घंटे तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर हम प्याज अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है मैंने इसमें। अब मैं इसको भूनूंगी और साथ में मैं इसके मसाले भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसका मसाले में 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पाई डाल रही हूँ। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है आप लोगों ने। तकरीबन इसको आप 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे इसी तरीके से, फ्लेम तेज करके। अब मैं इसमें फुल पतीली भर के पानी ऐड कर रही हूँ और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाना है। यहाँ इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूंगी। ये देखिए, 7 से 8 घंटे पकने के बाद मज़ेदार पाए तैयार हैं। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। गरम मसाला ऐड किया है मैंने इसमें, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।